की 6 तारीख को चुनाव है। चुनाव में मेरे भाई राहुल जी आपके प्रत्याशी हैं, जिताएंगे? आपको मालूम होगा कि राहुल जी ने आपके क्षेत्र में बहुत काम किया, लेकिन पिछले 5 सालों से यहाँ पे बहुत दुष्प्रचार हो रहा है उनके बारे में, और ये कहा जा रहा है कि आते नहीं है, कुछ काम नहीं कराते, ये सब। अब देखिए, बहुत सारे ऐसे काम थे जो उन्होंने 5 साल पहले उन्होंने शुरू करवाए थे, जो भाजपा की सरकार ने बंद किया, जिससे आपको बहुत रोजगार मिल सकते थे। एक सबसे मुख्य वाला था फूड पार्क, जो अगर 5 साल पहले खुल जाता तो 5 लाख किसानों का फायदा हो सकता था। अब कांग्रेस ने इस बार घोषणा की है कि हर गरीब परिवार को 72,000 रुपए हर साल मिलेंगे। सरकार अगर बनेगी कांग्रेस की तो हर गरीब परिवार को 72,000 रुपए हर साल मिलेंगे, ये घोषणा की है। महिलाओं के लिए 33% आरक्षण होगा, ठीक है। सरकारी अस्पतालों में शिक्षा के लिए जो जांच और इलाज होता है वो मुफ्त में होगा, और जो सरकारी पाठशाला है उसमें 12वीं तक पढ़ाई भी मुफ्त की होगी। आपके यहाँ हमारा पशु की समस्या है बहुत ज्यादा, तो 5 सालों में क्या किया भाजपा की सरकार में इसको दूर करने के लिए? कुछ नहीं किया 5 सालों से। किसान, आपको अपनी खाद बीज समय पे मिलता है? नहीं मिलता। 50 किलो का दाम भी नहीं मिलता होगा, नहीं मिलता। देश भर में किसान त्रस्त है, देश भर में कर्ज में डूबा हुआ है किसान, और इन 5 सालों में इन्होंने कुछ नहीं किया किसान के लिए। अब चुनाव आ रहा है तो सब घोषणा कर दिए कि किसान सम्मान योजना बनाएंगे। जो किसान सम्मान योजना है इसके बारे में भी सुन लीजिए। किसान सम्मान योजना भाजपा ने निकाली है, ये कहते हैं कि हर साल हर किसान के परिवार को 6,000 रुपए दिए जाएंगे। अब सोचो, हर साल 6,000 रुपए का क्या मतलब है? 5 सदस्य आपके परिवार, एक दिन में 3.5 रुपए हुए। अब आप मुझे बताओ, ये किसान सम्मान योजना है कि किसान अपमान योजना है? और जहां भी देखो, खास तौर से अमेठी में जनता का आदर नहीं हो रहा है, जनता का अपमान हो रहा है। अमेठी में जाते हैं, दुनिया भर के मीडिया को बुला के जूते बांटना शुरू करते हैं। ये जो है आपकी उम्मीदवार, जो भाजपा की उम्मीदवार है स्मृति ईरानी, ये आई अमेठी में, इन्होंने जूते बांटे ये दिखाने के लिए कि देखो अमेठी की जनता की ये हालत है कि इनके पास जूते भी नहीं है। इस तरह से आपको अपमानित करा जा रहा है, ये सोचते हैं कि ऐसे करने से राहुल जी का नाम खराब होगा। लेकिन यहाँ की जनता ने कभी भीख नहीं मांगी है, कभी भीख नहीं मांगी है, और ना आप भीख मांगोगे कभी किसी से। भीख मांगनी है तो ये लोग आए और वोटों की भीख मांगे आपसे, और काम करके दिखाए। 5 सालों में इनकी सरकार रही है, देश में सरकार नहीं है और केंद्र में सरकार नहीं है। क्या किया? केंद्रीय विद्यालय राहुल जी खोलने जा रहे थे, इन्होंने विज्ञापन देखा, राहुल जी का चेहरा था, बंद करवा दिया, कहीं और ले गए। IIIT उसके लिए पैकेज था, बंद करा दिया। मैट्रिक बंद करा दिया। वो सूची, इतनी लंबी सूची है उन प्रोजेक्टों का की जो बंद कराई इन्होंने, क्योंकि मुझे खुद ही याद नहीं रहता कहाँ है वो सूची, इसके पास पढ़ के सुनाती हूँ। FDDI, IIIT, NIFT, एम्स का अस्पताल रायबरेली में, RGIPT, हिंदुस्तान पेपर मिल, जो फूड पार्क था, रेल कोच की जो फैक्ट्री का उसको उसमें जो नया करना था वो, रेल की नील प्लांट, CRPF का ट्रेनिंग सेंटर, सारा बंद कराया इन्होंने। अगर इनकी नियत ठीक थी, अमेठी की जनता की भलाई चाहते, तो उनको क्या मतलब था कि यहाँ से सांसद कौन है? 5 सालों में मौका था, केंद्र में सरकार थी, प्रदेश में सरकार थी, ये बस यही चाहते हैं कि ये आगे बढ़े।
उद्योगपतियों का 10,000 करोड़ रुपए का फायदा हुआ है किसानों की बीमा से। अब मुझे बताइए, जब आपके खेतों में कोई आपत्ति आती है, आप पर कोई आपत्ति आती है, तो आपको बीमा मिलता है? नहीं, हर महीने लिया जाता है, आपको दिया जाता है।